अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद। AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सैमसंग J7 प्राइम, इसका मॉडल है G610F। इसका FRP बाईपास करना है, यानी बगैर कंप्यूटर के इसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसको गूगल का अकाउंट लगा हुआ है। अब हमने होम बटन 3 दफ़ा प्रेस करना है जल्दी जल्दी, तो टॉक बैक ओपन हो जाएगी। अब हमने L का निशान बनाते हुए डबल क्लिक करके टॉक बैक सेटिंग में डबल क्लिक करनी है और 2 उंगलियों से ऊपर लेके जाना है, 1 उंगली से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे टॉक बैक ट्यूटोरियल में जाके एक दफ़ा इस पर ऑफ कर देना है। अब 1 उंगली का इस्तेमाल करते हुए हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करनी है, और उसके बाद ये पहला ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है उसी पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल योर एंड्रॉयड डिवाइस। अब वीडियो पे क्लिक करना है, प्ले करनी है, और जब ये प्ले हो जाएगी तो ऊपर इसका टाइटल यानी जो इसका नाम आएगा उस पे क्लिक करनी है। अगर यहाँ पे यूट्यूब अपडेट मांगती है दोस्तों, तो एक दफ़ा फ़ोन को रीसेट कर लें। रीसेट करने के बाद जब दोबारा इसी मेथड को अप्लाई करेंगे तो फिर नहीं आएगा अपडेट। अब दोस्तों ये खुद ब खुद सैमसंग का ब्राउज़र ओपन हो गया, और उसमें अब हमने AH मोबाइल FRP बाईपास सर्च किया है गूगल में, तो ये पहला लिंक इस पे क्लिक कर लेनी है। एंड्रॉयड 5XX 6XX में आप स्क्रॉल डाउन ये नीचे आते जाएं और यहाँ पे सेटिंग में चले जाते हैं। इसका एंड्रॉयड वर्जन पहले चेक करना है कि किस एंड्रॉयड वर्जन पे ये इंस्टॉल है, क्योंकि FRP एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से पता लगता है। तो ये एंड्रॉयड 7 है। अब हमें एंड्रॉयड 7 की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। बैक चले जाते हैं सेटिंग से, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 7 & 9XX लिखा हुआ है। टेक्नो केयर ट्रिक्स वाली ऐप है, इसको इंस्टॉल करना है, पहले डाउनलोड कर लें। ये दोस्तों डाउनलोड नीचे आ गया है, स्टार्ट डाउनलोडिंग। अब हमने यहाँ पे बुक मार्क्स पर क्लिक करनी है, और सेंटर में जो हिस्ट्री है उस पर करनी है क्लिक, और डाउनलोड हिस्ट्री पर क्लिक करनी है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है, आप देख सकते हैं। तो ये अभी डाउनलोड मुकम्मल नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो रही। थोड़ा वेट कर लेते हैं, और उसके बाद जब डाउनलोड हो जाएगी तो इसी को इंस्टॉल कर लेना है। सेटिंग में जाके अननोन सोर्सेस को भी ऑन करना पड़ेगा, और इंस्टॉलेशन के बाद इसको डन कर देना है, ओपन नहीं करना। अब दोस्तों बैक जाना है जैसे हम सेटिंग में गए थे। यहाँ पे दोबारा सेटिंग पे क्लिक की, और सिक्योरिटी वाली दोबारा में इसमें जाना है, ये लॉक एंड सिक्योरिटी में। अब अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे क्लिक करके डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में जाके ये अगर यहाँ पे कोई टिक लगी हुई है तो उसको अनटिक करना है, अनचेक कर देना है। तो यहाँ पे ऐप्स में फिर जाना है, और गूगल प्ले सर्विसेज इसको डिसेबल करना है। अगर दोस्तों वो जो टिकें वहाँ पे मैंने दिखाई हैं वो टिक को अनटिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर डिसेबल नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने जब गूगल प्ले सर्विसेज को डिसेबल किया, उसके बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट में जाके गूगल का अकाउंट कोई भी लगा देना है। अब हमें वो अकाउंट नहीं लगाना पड़ेगा जो इसमें पहले लगा हुआ था। तो दोस्तों अभी मैंने अकाउंट इसमें ऐड कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, और ये लॉगिन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बैक जाते हैं, तो जो एप्लीकेशन हमने डिसेबल की थी उसको इनेबल करना है, यानी दोबारा ऑन करना है। ये डिसेबल ऐप में जाके और इसको हम इनेबल कर देते हैं। अब बैक जाके लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी में दोबारा जाना है। अदर सिक्योरिटी सेटिंग में जाके ये जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर में दोनों हैं इनको दोनों को एक्टिवेट कर देना है, और फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है। तो अभी दोस्तों फ़ोन मुकम्मल रीस्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक की और नेक्स्ट नेक्स्ट मज़ीद करते जाना है। जब पहले हमसे गूगल का अकाउंट मांगा जा रहा था, लेकिन इस दफ़ा नहीं मांगेगा, बल्कि अकाउंट एडेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं अकाउंट एडेड, नीचे अकाउंट भी शो हो रहा है, उसको ब्लर किया हुआ है। नेक्स्ट कर दें, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे नो, थैंक यू, स्किप, और यहाँ पे इसको भी स्किप कर देते हैं सैमसंग के अकाउंट को, और फिर नेक्स्ट, फिनिश। यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये लोकेटिंग फ़ोन काफ़ी स्लो है इस वजह से।
तो उसके बाद यहाँ पे लेटर पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप आ गया। आप देख सकते हैं फ़ोन हमारा सक्सेसफुली गूगल अकाउंट से बाईपास हो चुका है। अब सेटिंग में जाके जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की थी टेक्नो केयर ट्रिक्स के नाम से होगी, वो आपने अनइंस्टॉल करनी है। तो अनइंस्टॉल डिसेबल एंड अनइंस्टॉल आएगा, तो उस पर क्लिक कर दें डीएक्टिवेट एंड अनइंस्टॉल। थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Cheers!